लौट सबको और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं फर्स्ट टाइम यहां आके खड़ी हूं और उसका धन्यवाद देती हूं मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं धन्यवाद परमेश्वर के का और सामने जाके बट कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई आज मेरे मन में ये आया कि नहीं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसके हर एक छोटे छोटे कार्यों में उसकी महिमा होनी चाहिए तो आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ी गवाही है आप जानते हैं लॉकडाउन के टाइम में सबकी जॉब गई सबकी सैलरी इंक्रीज हुई द डिक्रीज हुई और बहुत परेशानी आई मेरे ऑफिस में भी यही हुआ कि अप्रैल में सैलरी हाफ आई काफ़ी लोग चेचड़ाने लगे कि यार आप कुछ नहीं बोलते हम सबकी सैलरी आधी क्यों आई मैंने कहा भाई धन्यवाद देना जी परमेश्वर का कि हमें बिना काम के उसने आधी सैलरी तो दी हम हमारा कोई राइट नहीं होता कि हम जाके अपने बॉस से कहे कि हमें पूरी सैलरी दो हमें मिल रहा है इसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो सब कहते थे आपको तो बस यही रहता है आप कभी भी कंप्लेन नहीं करती हूँ हमें कहा नहीं कोई कंप्लेन की बात नहीं है हमें परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए देना चाहिए कि हमें बिना काम के हमें आधी सैलरी आई अभी जून की सैलरी का जुलाई की सैलरी का ये हुआ कि आठ दिन की सैलरी काटी जाएगी मैं बहुत घबरा गई और मैंने कहा परमेश्वर मैं कैसे करूँगी मुझे पूरा घर चलाना है बहुत चीज़ें करनी होती हैं बच्चे की फीस है अभी वो नए क्लास में गया उसको मुझे देना है बुक्स हैं काफ़ी चीज़ें हैं मैं बहुत डिप्रेस थी मैं अपनी बॉस के पास गई मैंने बोला कि मैम कैसे होगा दिन की सैलरी कि अमृता वो तो कटेगी कटेगी क्योंकि वो ऐसा है। हुआ है तब सबका ही कटेगा आठ दिन का मैं बहुत घबरा गई और मैं मैंने कहा मैं क्या करूँ कैसे करूँ सारे लोग बोले कि अमृता ऐसे करो लिस्ट बनाओ और हम सबका नाम डालो हम इस डे को चिट्ठी करेंगे मैं कहा तुमने मुझे क्यों आगे करते हो तुम लोग क्यों नहीं आगे जाते हो नहीं आप जाओ आप जाओ मैं कही मैं कहा मैम ऐसे ऐसी बात है आप मुझे आठ दिन की छुट्टी दीजिए मैं हर वीक में दो छुट्टी लूँगी वैंडस्डे एंड फ्राइडे आप मुझे छुट्टी दीजिए तो मैम कह रहे नहीं अमृता तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकती आपको आना ही है ऑफिस चाहे कुछ भी हो मैं तो मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं मैं अपने कैबिन में गई और मैं बड़ी निराश थी बहुत हताश थी बहुत परेशान थी फिर मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या होगा मेरे जीवन में आगे मैं कैसे अपना घर चला पाऊँगी क्योंकि मुझे हाउस फ्रेंड भी देना है और किसी से सपोर्ट नहीं है मुझे फिर मेरे मन में एक विचार एक वचन आया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के खोजियों को किसी बात का घटी नहीं है तो मुझे उससे बड़ा बल मिला और मैंने यूट्यूब खोला यूट्यूब पे मैंने कोई गाना बहुत प्यारा गाना है अगर पास जी आप कहें तो थोड़ा सा सुना, सुना। तो बहुत प्यारा गाना है उससे मुझे बड़ी सामर्थ मिली तो आज मैं आपके सामने वो छोटी सी लाइन गाती हूँ तू तो न छोड़ेगा मुझे ना त्यागेगा कभी प्रभु तू तो कितना है भला

परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि परमेश्वर ने इस महीने पूरी सैलरी से मुझे नवाजा मेरी पूरी सैलरी आई मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं एक दिन की सैलरी यानी कि मैंने हफ्ते में एक हाफ डे लिया वो भी नहीं काटा तो धन्यवाद देती हूँ ग्लोरी टू गॉड फेस ग्लोरी हालेलुया हालेलुया